अगर आपके मोबाइल में वहाँ पे एप्लीकेशन स्टोरेज पे को जाएंगे। इंस्टॉल करते समय इस प्रकार का एरर आता है, नॉट इनफ स्टोरेज स्पेस टू इंस्टॉल रिक्वायर रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप इस एरर को फिक्स कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में कुछ अनवांटेड ऐप अवेलेबल है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर अनइंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स पे जाना है। ऐप्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे जाना है, और किसी किसी मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट होता है तो आप उस पर टैप कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने मैनेज ऐप पे टैप कर दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ऐप्स होता है जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका अमेजन हो गया, यूट्यूब हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यह सब ऐप जब आप यूज करते हैं तो उसके कैसे में कुछ स्पेस स्टोर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप उसे खाली कर देंगे तो आपके मोबाइल में कुछ स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ उसका कैसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ मिला, उस पर टैप किया, उसके स्टोरेज पे गया। स्टोरेज पे आप देखिए 322 MB का डेटा यहाँ इसने लिया हुआ है कैसे में। इस पर टैप किया मैंने, और इसका मैंने क्लियर डेटा किया, क्लियर ऑल डेटा मैंने किया, और ओके पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे 173 केवल जो ऐप का जो स्पेस है वही बचा हुआ है, कैसे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार आप इंस्टाग्राम का भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम मिल गया है, तो इसे टैप करेंगे, आप स्टोरेज पे जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि इंस्टाग्राम 220 MB का स्पेस लिया हुआ है कैसे को मिला के, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टोरेज पे टैप करेंगे, फिर आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है, फिर आपको क्लियर ऑल डेटा करना है, ठीक है, देन ओके करना है। ओके करने के बाद देखेंगे कि अभी जो स्पेस बना है इसका 120 MB लिया हुआ है, जो कि केवल इंस्टाग्राम का जो साइज होता है वो है एप्लीकेशन साइज, ठीक है। उसी प्रकार आप यूट्यूब का भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 3-4 एप्लीकेशन का करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ स्पेस बन जाएगा, और जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करने के समय जो आपको इस प्रकार का एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा और वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप के केस में आप ये मत कीजिएगा, उनका आप कभी क्लियर डेटा और या क्लियर कैसे मत कीजिएगा, नहीं तो अगर किसी ने आपके व्हाट्सएप पे कोई फोटो या कोई सॉन्ग्स या कोई वीडियोज भेजा है, अगर आप क्लियर कैसे क्लियर डेटा करेंगे तो वो आपका चला जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान दिए, केवल व्हाट्सएप को छोड़ के आप सारे पे कर सकते हैं, और वो डेटा आपका बाद में आ जाएगा जब आप उस पर लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।